आज ये है कि हम इंशाल्लाह एक टेक्निक डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक प्रीफिक्स को किसी और प्रीफिक्स से रिप्लेस करना हो तो उसके लिए क्या किया जाना है। When you need to change a prefix from one to another, you combine both the roles that you have discussed earlier. See, मतलब आप एक prefix remove करना है और आपको दूसरा prefix insert करना है। पहले आप वो method adopt करेंगे जो एक prefix remove करने के लिए, फिर हम वो method adopt करेंगे जो दूसरा prefix हमें insert करने के लिए चाहिए। तो अगर मैं उस चीज को यहाँ लिखूँ, the prefix is to be replaced with another. Prefix is to be replaced with another. Use both the rules, one and दोनों rules का इस्तेमाल करेंगे, rule number one और rule number two. तो किस तरह से होगा? Example देख रहे थे. We need to move from microseconds. मतलब we have 5000 microseconds and we need to move to मिलीसेकंड्स, ठीक है? तो माइक्रो का हमारा जो एक्सपोनेंट होता है वो 10^-6 होता है, जो मिली है उसका एक्सपोनेंट 10^-3 है। मुझे माइक्रो रिमूव करना है, मिली इंसर्ट करना है। तो रिमूव करने का तरीका हमारे पास ये था कि जब भी आपको कोई प्रीफिक्स रिमूव करना होता है आप उसके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इफ आई नीड टू रिमूव माइक्रो आई मल्टीप्लाई बाय 10^-6। और अगर कोई प्रीफिक्स इंसर्ट करना होता है सही, तो आप क्या करते हैं उसके प्रीफिक्स से डिवाइड कराते हैं। आपने 10^-6 से डिवाइड करवा, मतलब स्टेप बाय स्टेप दोनों काम थे। जो रिमूव करना था प्रीफिक्स उसके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करवाया, और जो इंसर्ट करना था प्रीफिक्स उसके एक्सपोनेंट से डिवाइड करा। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करके डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या होगा। 5000 to 10^-9 -9 तो नहीं होगा। Oh, actually, I'm so sorry. -3. -3. 5000 × -3, जो कि सिंपलीफाई होने के बाद आपके पास समझ लीजिए कि 5 ही रह जाएगा। के अगर आप सॉल्व करें -3 है, डेसिमल पीछे की तरफ जब मूव करेगा तो पावर +1 बढ़ती चली जाएगी और इट विल टर्न आउट टू बी जस्ट 5। सो सर सिंपलीफाइड आंसर इज लाइक सबसे सिंपलेस्ट आंसर है ओके, क्योंकि वही बात है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में देने के लिए डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। अभी तो 5000 लिखा हुआ है, डेसिमल से पहले चार नंबर्स लिखे हुए थे। जैसे हमने उसको जब हमने कन्वर्ट करने के लिए देखा तो हमने पता चला कि भाई तो खाली 5 बन रहा है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह सेकंड के अंदर वी नीड टू मूव फ्रॉम किलो टू डेसी। किलो इज 10^3, डेसी इज 10^-1, टर्न्स आउट टू बी 65। किलो को रिमूव करेंगे तो आप 10^3 लगाएंगे, डेसी 10^-1 है, डेसी आपने इंसर्ट करना है। तो वैसे हो जाएगा 65 × 10^4 सही। और अगर आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 6.5, जैसे एक नंबर पीछे लाएं 6.5 × 5 डेसिमल्स, ठीक है जी सर। अब लास्ट टू आप ट्राई करें, जो बताएं क्या बनना चाहिए। सर आप इस कन्वर्जन के वो लिख सकते हैं प्लीज। अच्छा मैं कन्वर्जन लिख देता हूँ। गीगा इज 10^9 सी एंड माइक्रो इज 10^-6, इसमें मिली इज 10^-3 एंड मेगा इज 10^6। सर 8.85 × 10^9
or to use the decimal places change for me. Yes, I think it's that's good answer. 8.85 into 10 to power 9. Yes, sir. कैलकुलेटर पे कर रहे हैं डायरेक्ट इस चीज को. एक्सप्रेशन बनेगी इसकी. थ्री होगा सर. 10 to the power 4. 10 to the power 4. 3 आना चाहिए वैसे. जी सर प्रायर 3 बोला. अच्छा ये आपके पास यहाँ पे आंसर है. अब इसी तरह से फोर्थ वाले का बताइए. नीली को रिमूव कर रहे हैं आप. एक्सपोनेंट माइनस थ्री लगाएंगे आप. मेगा इंसर्ट करना है. 10 power 6 आपका बॉटम पे होगा. 14 होगा. नेगेटिव 14. I'm so sorry. 7 है वो mental math के वो. That's why. Minus 14 आएगा इसका आंसर. 14 है. ठीक है. जी सर. तो ये कुछ कन्वर्जेंस की वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकें. आपके पास जो है वो थोड़ा इसमें हाथ साफ आ जाए. अच्छा अब हम चलेंगे जरा मेजरमेंट्स. बोले अब असाइनमेंट्स असाइन करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक के बाद. मैं बिल्कुल करूंगा. चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह दिया करूंगा रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ताकि आप उस चीज को क्लास अटेम्प्ट करके मुझे भी दिखा सके. मुझे भी अंदाजा हो जाए कि कहां तक आप पहुंच सकते हैं. ओके थैंक तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं द मेजरमेंट्स यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स. ठीक है वर्नियर कैलिपर्स किस तरह से आंसर्स निकाले जाते हैं इस चीज के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं. अच्छा वैसे तो ये ओ लेवल के सिलेबस में अब रिमूव हो चुका है. मतलब इट्स नो लॉन्गर पार्ट ऑफ योर सिलेबस कि वर्नियर कैलिपर कैसे यूज होता है. हमें अब से इतना आना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल क्या क्या मेजर करने के लिए हो सकता है. दिस इज समथिंग दैट कैंडिडेट नीड्स टू नो ओनली कि भाई इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर्स और डेप्थ. ये 3 डायमेंशंस हैं जो वर्नियर कैलिपर से निकाले जाते हैं. लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्योंकि आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लास्ट पढ़ रही हैं. इस वजह से मैं आपको डिस्कस कर लूँगा कि वर्नियर कैलिपर इस तरह से मेजरमेंट वैल्यूज निकालने के लिए कैसे यूज करें. देखिए हमारा जो वर्नियर कैलिपर है उसके 2 स्केल्स होते हैं. मैंने आपको बता दिया एक उसका मेन स्केल होता है और एक उसका वर्नियर स्केल होता है. ये मैंने जो डायग्राम यहाँ बनाई हुई है इसको मैंने लेबल किया हुआ है कि वी हैव अ मेन स्केल. सही है जो बेस वाला स्केल है और एक हमारा वर्नियर स्केल. और हमने डिस्कस किया था कि वर्नियर स्केल इज एक्चुअली स्लाइडेबल. सही आप वर्नियर स्केल को मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकते हो. आप उसको आगे की तरफ लेफ्ट की तरफ लेके जा सकते हो. आप उसको राइट की तरफ भी लेके जा सकते हो जिससे जो इनके दरमियान का ये गैप होता है ये वेरी कर सकता है. सही इसमें सिर्फ इन्होंने लोअर जॉस दिखाए हैं. हालांकि अपर जॉस भी होते हैं और टेल भी होती है लेकिन उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा कंसाइज करके दिखाया हुआ है सिर्फ समझाने के लिए. हाँ तो अगर मुझे कोई ज्यादा बड़ी डायमेंशन मेजर करनी होगी तो मैं अपने वर्नियर स्केल को राइट साइड की तरफ स्लाइड करना शुरू करूंगा जिससे ये जो गैप है ये बढ़ता चला जाएगा और मैं उस चीज को इसमें फिक्स कर सकता हूँ. अगर मुझे कोई स्मॉलर डायमेंशन मेजर करनी है तो मैं अपने वर्नियर कैलिपर को वापस लेफ्ट साइड की तरफ लेकर आऊंगा तो ये गैप कम होता चला जाएगा जिससे मैं उसके अंदर स्मॉल चीज जो है वो फिक्स कर सकते हैं. अच्छा अब अगर इसकी रीडिंग लेनी हो तो कैसे होता है. देखो जो नॉर्मल स्केल होता है हमारे पास उसमें तो हम सिंपल स्केल प्लेस करते हैं जो भी लेंथ होती है उसको मैच करके रीडिंग ले लेते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन बनी हुई है. आपने देखा कि भाई ये लाइन कहाँ आके एंड हो रही है जो वैल्यू थी आपने वो रीड कर दी. वर्नियर स्केल में इस तरह से नहीं होता. ये वर्नियर कैलिपर में इस तरह से नहीं होता. वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल्स होते हैं और हमें 2 स्केल से रीडिंग लेने के बाद
उनको कंबाइन करके मेंशन करना पड़ता है. सही, मेन स्केल से अलग रीडिंग निकलती है, वर्नियर स्केल से अलग रीडिंग निकलती है और इसके बाद वो कंबाइन होती है. रीडिंग लेने का तरीका क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, पहले तो ये देख लें हमारे पास वर्नियर स्केल या तो वर्नियर कैलिपर्स या तो सेंटीमीटर्स के अंदर होते हैं या वर्नियर कैलिपर्स हमारे पास मिलीमीटर्स के अंदर होते हैं. दोनों तरीके के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर और एग्जामिनर भी क्वेश्चंस में दोनों तरीके के कह लो कि आपको वर्नियर कैलिपर्स दे सकता है, आपको सेंटीमीटर्स वाला भी दे सकता है, आपको मिलीमीटर्स वाला भी दे सकता है. पहचान कैसे करेंगी आप, पहचान इस तरह से करेंगी कि जो सेंटीमीटर्स वाला होगा उसमें 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से मार्किंग चल रही होंगी. सेंटीमीटर्स में हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से मार्किंग चलेगी. मिलीमीटर्स वाले के अंदर 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से मार्किंग चलती है. अगर मिलीमीटर स्केल होगा तो ये वाली मार्किंग्स होगी उसके ऊपर. सही, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से मार्किंग चलेंगी और मिलीमीटर के अंदर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से आपके पास मार्किंग जो है वो मिलेंगे. अब वर्नियर कैलिपर के अंदर जो रीडिंग लेने का क्राइटेरिया है, सेंटीमीटर्स में याद रखिएगा कि वर्नियर कैलिपर आपको 0.01 सेंटीमीटर्स तक आंसर दे सकता है. मतलब द लीस्ट रीडिंग दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज ऑफ 0.01 सेंटीमीटर्स. Whereas अगर हम मिलीमीटर्स में बात करें तो वो 0.1 मिलीमीटर डेसिमल के बाद एक प्लेस, मिलीमीटर्स में डेसिमल के बाद एक प्लेस तक रीडिंग मिलती है और सेंटीमीटर्स के लिहाज से देखें तो डेसिमल के बाद दो प्लेस तक आपको रीडिंग मिल सकती है. अब ये हमारे पास एक कह लीजिए वर्नियर कैलिपर है जो सेंटीमीटर्स के अंदर. मैं इसका आसान रास्ता पहले सिखाऊंगा सही, जिससे आप फौरन ही रीडिंग जो है वो डिटर्मिन कर सकती हैं. फिर मैं एक इसका जो है थोड़ा सा कान को थोड़ा सा हाथ घुमा के पकड़ने वाला जो रास्ता है थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है वो भी बता. मुश्किल रास्ता है वो असल में असल रास्ता है जिसके थ्रू रीडिंग निकालनी चाहिए. जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो शॉर्टकट है कि भाई आप रीडिंग निकाले आगे बढ़े. अब अगर यहाँ पे आप देखा जाए तो मेन स्केल आपके पास है टॉप पे. रीडिंग लेने का तरीका ये होता है कि मेन स्केल की रीडिंग उठाने के लिए आप वो पोर्शन देखते हो जो आपके मेन स्केल और वर्नियर स्केल के कंबाइन कॉम्बिनेशन में आ रहा हो. रीडिंग देते इस तरह से हैं, वर्नियर स्केल के जीरो से बिल्कुल पहले वाला जो मार्क होता है, वर्नियर स्केल के जीरो से बिल्कुल पहले वाला जो मार्क होता है उससे सेलेक्ट कर लिया जाता है मेन स्केल के ऊपर से. वर्नियर स्केल के जीरो से बिल्कुल पहले वाला मार्क जो है उससे सेलेक्ट कर लिया जाता है मेन स्केल के ऊपर से. अब अगर आप गौर करें तो वर्नियर स्केल का जीरो ये आपको नजर आ रहा है, ये वर्नियर स्केल का जीरो. ठीक है, वर्नियर स्केल के जीरो से बिल्कुल पहले वाला मार्क मेन स्केल पे ये रहा, ये है वर्नियर स्केल के जीरो से बिल्कुल पहले वाला मार्क. तो ये रीडिंग, ये पॉइंट हमारा मेन स्केल का मार्क हो जाता है. भाई मेन स्केल की रीडिंग हमारी कितनी, वर्नियर स्केल के जीरो से बिल्कुल पहले वाला मार्क. अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं इसके अंदर, वो ये जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री वर्नियर स्केल की, वो इस बाउंड्री से पहले वाला मार्क रीड कर देते हैं. द बाउंड्री ऑफ द कैलिपर इज नॉट इम्पोर्टेंट, द जीरो मार्क इज इम्पोर्टेंट. बाउंड्री वगैरह के चक्कर में नहीं पड़िएगा सही कि भाई यहाँ पे कैलिपर की बाउंड्री आ रही है इससे पहले वाला मार्क उठा लें. नहीं, जो जीरो मार्क है वर्नियर कैलिपर पे उससे बिल्कुल पहले जो रीडिंग आपको नजर आ रही है वो रीडिंग आप सेलेक्ट कर. तो अगर मैं देखूं तो ये रीडिंग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो मैंने ये लॉन्ग एरो बनाया है मेन स्केल का, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1.1 सेंटीमीटर. तो ये मैंने लिख दिया भाई, ये 1.1 सेंटीमीटर ये मेरी मेन स्केल रीडिंग होगी. इसको मेन स्केल रीडिंग MSR बोल देता हूँ. अब हम चलते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि दो स्केल्स हैं, दोनों स्केल से रीडिंग्स निकाली जाती हैं और फिर कंबाइन होती हैं. मेन स्केल की रीडिंग तो आ गई. वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने का क्राइटेरिया ये है कि आप वो रीडिंग सेलेक्ट करते हो वर्नियर स्केल की, आप वो रीडिंग सेलेक्ट करते हो वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल की किसी रीडिंग से मैच हो रही है. वो रीडिंग सेलेक्ट करेंगे वर्नियर स्केल की
जो मेन स्केल की किसी रीडिंग से मैच हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रीडिंग मैच कर रही है बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप कह रहे हैं जो रीडिंग मैच कर रही है वो ये 7 है या 6.5 पर, वो ये वाली रीडिंग। दिस इज द वन विच हैज अ परफेक्ट मैच, ठीक है। हमने ये रीडिंग जो है वो सेलेक्ट कर ली, तो ये 7 है। मैं इसके आगे 7 लिख दूं, ये मेरी वर्नियर स्केल रीडिंग। अगर मिसाल के तौर पे 6 और 7 के दरमियान वाली रीडिंग हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि वो भी बहुत अच्छा मैच है, ठीक है। 6 और 7 के दरमियान वाली रीडिंग की बहुत अच्छा मैच है, वो 6.5 हमें नजर आ रहा था, लेकिन उसको 6.5 में लिखेंगे, वो 65 लिखे थे, तो वो फिर 7 की जगह मैं 65 लिख देता, 1.165 रीडिंग हो जाती अगर मैं 65 वाली सेलेक्ट करता, मतलब वो रीडिंग फिर ये बन जाती 1.165 सेंटीमीटर। ये वर्नियर स्केल थोड़ा सा डिफरेंट बना के दिखाया गया है रेगुलर वर्नियर स्केल्स के मुकाबले में, क्योंकि जो कॉमन रेगुलर वर्नियर स्केल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेसेस तक सेंटीमीटर्स में आंसर देते हैं। ये वर्नियर स्केल जो डायग्राम में दिखाया गया है ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया गया है, ये डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक वर्नियर स्केल पे आंसर दे पा रहा है, मतलब 0.001 सेंटीमीटर तक आपको आंसर मिल सकता है। जैसे हम नीचे वाली रीडिंग देखें तो द लीस्ट दैट यू कैन गो विद दिस इज 0.005 एक्चुअली, 0.001 भी नहीं, 0.005 तक आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वर्नियर स्केल पे या तो 0 का मार्क है या 0.5 का मार्क है या 1 का मार्क, तो उसके दरमियान में कोई मार्क नहीं है। तो ये वर्नियर स्केल थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाया गया था, लेकिन जनरली हम जितने वर्नियर कैलिपर्स को देखेंगे उन सब की रीडिंग्स का क्राइटेरिया ये होगा कि अगर वो सेंटीमीटर्स में होगा तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आपको आंसर मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। ये तरीका शॉर्टकट है हमारा कि हम डायरेक्टली फॉरन जो है वो आंसर डिटरमिन कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। जो लॉन्ग मेथड है वो ये है कि भाई आप मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे सबसे पहले, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। जो लॉन्ग मेथड है वो ये है कि आप मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे, ये लिख दी भाई हमने मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग लिखने के बाद वर्नियर स्केल से मार्क सेलेक्ट करेंगे और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वर्नियर स्केल से मार्क सेलेक्ट करेंगे और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 7 मैच कर रहा था 7 सेलेक्ट किया, ठीक, और 7 सेलेक्ट करने के बाद लीस्ट काउंट यानी 0.01 से मल्टीप्लाई कराया, वहां से हमें रीडिंग मिली वर्नियर स्केल। तो अब जब आ गई मेन स्केल रीडिंग भी आ गई, वर्नियर स्केल रीडिंग भी आ गई, अब आप उन दोनों को एड अप कर दो। जैसे यहाँ पे आपने एड अप किया है और आपका 1.17 आंसर है। मैंने जो बताया वो शॉर्टकट था, मेन स्केल रीडिंग लिखी और जो भी वर्नियर स्केल की रीडिंग थी वो आगे लिख दी, आपके पास आंसर जो है वो डायरेक्ट बन जाएगा, ज्यादा आपको उसके ऊपर करेंगे घूम फिर के वर्किंग करने की जरूरत नहीं। ये समझ में आया थोड़ा, अभी मैं एक दो और क्वेश्चंस करवाऊंगा इसमें। जी सर, समझ आ गया। अब लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस ताकि इस पर थोड़ी सी ग्रिप आ जाए। मैं इसे थोड़ा सा ही पोर्शन ड्रॉ करूंगा, ज्यादा उसको वो नहीं करूंगा एलोंगेट। नीचे वर्नियर का मार्क है हमारे पास,
और यहाँ पे मैं कुछ मार्किंग्स कर देता हूँ. लेट्स से ये है हमारे पास 5, 6, इस तरह से सब कुछ चल रहा है. ठीक है आगे. और ये आपका ऊपर मेन स्केल है और नीचे आपका वर्नियर स्केल है. ठीक है, हमें रीडिंग सेलेक्ट करनी है इसकी. ठीक है भाई, मेन स्केल रीडिंग क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है. तो देखिए तरीका क्या था, वर्नियर स्केल के 0 से बिल्कुल पहले वाला मार्क आप सेलेक्ट कर लेंगे. वर्नियर स्केल के 0 से बिल्कुल पहले वाला मार्क ये है. कितना भाई, 5.3. ग्रेट. सेकेंडली वर्नियर स्केल की रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग आने के बाद अब आप जाते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग के ऊपर. वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हमारा तरीका क्या था, वो वर्नियर स्केल की रीडिंग उठाई जाती है जो मेन स्केल के किसी मार्क से मैच कर रही है. तो कौन सी रीडिंग अप्रोक्सीमेटली मैच हो रही है? 7. 10. बाकी तो सब आगे पीछे है ना, तो ये लाइन एग्जैक्टली मीट नहीं कर रही. तो वर्नियर स्केल का ये वाला जो मार्क है, 5 वाला मार्क है, वो मेन स्केल की किसी भी रीडिंग से मैच कर सकता. अच्छा, इसमें मेन स्केल की रीडिंग के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है. मतलब अगर आप ये सोचना शुरू हो जाएं कि भाई मेन स्केल की कौन सी रीडिंग है, वो नहीं देखिए. आप सिर्फ ये देखिए कोई लाइन जो है वो मैच करे किसी भी मार्क से. वर्नियर स्केल की लाइन किसी भी मार्क से मैच कर जाए, वो किसी से भी मैच कर जाए, आप उसको जो है वो सेलेक्ट कर सकते. तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 मार्क जो है ना, ये मैच कर रहा है मेन स्केल की किसी मार्क से. तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा और ये मेरा आंसर हो गया 5.35 centimeters. समझ में आई चीज? जी सर. एक और सवाल जब ये हमारे पास अगेन एक डायग्राम आ गई. सही, टॉप पे हमारा मेन स्केल है, बॉटम पे हमारा वर्नियर स्केल है. ये रीडिंग आप मुझे बताएंगे खुद के इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या है और इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है. तो पहले तो मेन स्केल रीडिंग बताइए क्या आ रही है. 6.5. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द वर्नियर स्केल रीडिंग? इसी तरह से एक और लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बनाएंगे.
ये आपके पास अगेन एक आ गया वेन स्केल और वर्नियर स्केल। अच्छा अब आप मुझे पहले तो ये बताइए कि ये जो स्केल है सेंटीमीटर्स का है या मिलीमीटर्स का? सर मिलीमीटर्स का। मिलीमीटर मैक्सिमम मतलब डेसिमल के बाद एक प्लेस तक हमें आंसर देता है, इससे ज्यादा हमें आंसर वहां से मिल नहीं सकता। तो इफ वी स्टार्ट ऑफ ओवर हियर, तो ये मेन स्केल जीरो है, ठीक है, तो इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या है? वर्नियर स्केल जीरो था, मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 23। ग्रेट, 23। अब यहाँ पे आ गया आपके पास डेसिमल, ये मेन स्केल रीडिंग डेसिमल से पहले की, क्योंकि मिलीमीटर्स में आप डेसिमल के बाद एक प्लेस तक जाते हो, तो लाजिम बात है अगली जो वैल्यू होगी वो मेन वर्नियर स्केल की होगी। तो डेसिमल से पहले आपने मेन स्केल रीडिंग लिख दी, दैट इज 23। अब आप जाते हो वर्नियर स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होनी चाहिए भाई यहाँ पे? 23.2। ये हो गया 2 और ये आ गया मिलीमीटर्स, 23.2 mm। ये आपने माइक्रो वर्नियर कैलिपर से भी रीडिंग निकाल ली सीधी, इन केस अगर आपके पास मिलीमीटर का स्केल। ओके, ठीक है जी सर। Alright. Now, it's moving forward. अब हम चलते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की तरफ। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से आप किस तरह से रीडिंग निकालते हैं? देखिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जस्ट लाइक वर्नियर कैलिपर स्मॉल डायमेंशंस मेजर करने के लिए यूज हो रहा होता है। अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो सिलसिला है उसका जो स्केल है वो भी दो स्केल्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक उसका मेन स्केल होता है और एक उसका थिम्बल स्केल होता है। सही, एक उसका मेन स्केल होता है और एक उसका थिम्बल स्केल होता है। ये वाला स्केल उसका मेन स्केल कहलाता है। सही, जिसकी नेक होती है समझ लेते हैं उसे, और ये जो है जिसका कॉलर है वो आपका थिम्बल स्केल कहलाता है। और मैंने आपको बताया था कि ये थिम्बल स्केल जो है वो रोटेट करता है, जब आप रैचेट घुमाते हैं तो ये रोटेट करता है और ये स्क्रू की तरह रोटेट करते करते फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव हो सकता है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे स्क्रू को रोटेट करते करते तो ये थिम्बल स्केल पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा और जो मेन स्केल पे मार्किंग्स है वो आपके लिए विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, और जब आप उसको टाइटन करेंगे तो वो थिम्बल स्केल आगे की तरफ आता चला जाएगा रोल होके और जो मेन स्केल की मार्किंग्स है वो छुपती चली जाएंगी। अब इससे रीडिंग लेने का तरीका क्या होता है? देखिए जैसे वर्नियर स्केल पे वर्नियर कैलिपर्स में मेथड था कि आप मेन स्केल रीडिंग निकालते थे, वर्नियर स्केल रीडिंग निकालते थे और उसको ऐड करते थे, यहाँ पे भी यही सिलसिला है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आपको जब भी मिलेगा वो मिलीमीटर स्केल पे मिलेगा, याद रखिए हमेशा मिलीमीटर के साथ मिलेगा क्योंकि सेंटीमीटर्स में इसकी डिविजन नहीं बन रही होती, ये रीडिंग्स ही आपको मिलीमीटर्स में देगा। मार्केट के अंदर भी आपको मिलीमीटर्स वाला अवेलेबल होता है और प्राचीन बात जब आप प्रैक्टिस करते तो उसके लिए भी एग्जाम्स के लिहाज से मिलीमीटर्स वाला है। बहुत अनकॉमन सी बात है कि अगर आपको सेंटीमीटर वाला जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मिल जाए। तो हम यहाँ इसका तरीका देखेंगे, हम मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे, इसकी थिम्बल स्केल रीडिंग निकालेंगे और फिर उन दोनों को हम ऐड करने का काम करेंगे। तो टू स्टार्ट ऑफ विद दिस, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग निकाली जाए इसकी। मेन स्केल रीडिंग निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि ये जो पार्टिशनिंग लाइन है ना आपकी, ये जो पार्टिशनिंग लाइन है दिस लाइन जो थिम्बल स्केल और मेन स्केल को अलग कर रही है, सही, कॉलर लाइन, इस लाइन से बिल्कुल पहले जो मेन स्केल की मार्किंग नजर आ रही हो आप उसे सेलेक्ट कर लो। इस लाइन से बिल्कुल पहले जो मेन स्केल की मार्किंग नजर आ रही है आप उसे सेलेक्ट कर लेते, जैसे मुझे जो मार्किंग नजर आ रही है वो ये वाली है। इस पार्टिशनिंग लाइन से बिल्कुल पहले वाली मार्किंग वो मुझे ये दिख रही है, और इसकी जो वैल्यू है अगर आप देखें ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 चल रहा है, नीचे डिविजन जो बनी हुई है वो 0.5 की बनी हुई है, मतलब 0 और 1 के दरमियान में एक मार्क लगा हुआ है, 1 और 2 के दरमियान में एक मार्क लगा हुआ है, तो वो 0.5 वाली डिविजन। तो इस चीज के मुताबिक आप मुझे बता सकती हैं मेन स्केल रीडिंग इस वक्त क्या होगी जो विजिबल है, वो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? सर 0.6 नहीं, 0.6 नहीं, ये तो मेन स्केल है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये ऐसा चलता है, 0 नीचे वाला मार्क 0.5, फिर 1, फिर 1.5, 2, 2.5, 3 इस तरह से मूव करता है ये, तो उसके मुताबिक क्या वैल्यू होनी चाहिए ये?
फाइव के बाद एक पॉइंट फाइव की मार्किंग विजिबल है तो क्या बननी चाहिए? 5.5 मिलीमीटर्स. रिमेन्स की रीडिंग आपको नजर आ रही है वो 5.5 मिलीमीटर्स की है. तो ये मेन स्केल रीडिंग हमने सेलेक्ट कर ली. दिस इज योर मेन स्केल रीडिंग. अच्छा अब आप जाते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग की, थिंबल स्केल रीडिंग की. थिंबल स्केल रीडिंग का तरीका ये होता है कि ये जो डेटम लाइन है इसको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है इसको आप डेटम लाइन बोलते हैं. इस डेटम लाइन से थिंबल स्केल की जो मार्किंग मैच कर रही हो, सही, इस डेटम लाइन से थिंबल स्केल की जो मार्किंग मैच कर रही हो उस मार्किंग को आपने सेलेक्ट कर लेना. इस वक्त जो मार्किंग मुझे नजर आ रही है वो ये वाली मार्किंग जो डेटम लाइन से मैच होती हुई दिख रही है. सही, अगर कोई मैच नहीं होती है तो फिर जो सबसे ज्यादा नजदीक होती है उसे सेलेक्ट किया जाता है. सही, अगर इनकेस बिल्कुल ही कोई मैच ना हो, और वैसे तो ये हो नहीं पाता, बहुत रेयर है कि ना मैच कर रहा हूँ, वरना अगर बिलफर्स कोई मैच ना कर रहा हो जो सबसे ज्यादा नजदीक होता है आप उसे सेलेक्ट कर सकते. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मार्किंग आपको दिख रही है 20, 25, 30, 35, ये सारी मार्किंग, ये सब डेसिमल के बाद की मार्किंग होती है. मिलीमीटर्स में 0.01 मिलीमीटर तक आपको थिम्बल, आपको ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आंसर प्रोवाइड करता है. तो डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक आप यहाँ से आंसर एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे मार्किंग जीरो पॉइंट के बाद जो भी रीडिंग होती है वो लिखते हैं. लेकिन अगर जनरल पूछूं ऐसी कोई मार्क आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर 25, 26, 27, ये 28 है. आप बोलेंगे सर ये 28 है, ये आपकी थिम्बल स्केल रीडिंग हो जाएगी. लेकिन हम जिसको लिखते हैं वो डेसिमल के बाद लिखते हैं. उसका रीजन ये है कि थिम्बल स्केल की जो भी रीडिंग्स आती हैं वो डेसिमल के बाद, यानी पॉइंट के बाद दो डेसिमल प्लेस तक आंसर बताने के लिए होती है. तो यहाँ पे जो थिम्बल्स की रीडिंग है वो 0.28 मिलीमीटर है. ठीक, और आप याद भी इसको इस तरह से रख सकते हैं. निकालने का तरीका होता है जो भी मार्किंग है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवाया जाता है. मार्किंग 28 है, लीस्ट काउंट 0.01 है, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 0.28 बन जाएगा. आपके पास मेन स्केल भी आ गया, आपके पास थिम्बल स्केल भी आ गया. नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड देम अप. तो ये 5.5 + 0.28 ये आपके पास इसका आंसर आ गया. समझ में आई चीज? जी सर. इसके एक दो सवाल और करते हैं ताकि ग्रिप हो जाए. यहाँ से सिलेक्शन करते हैं. तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग भी है, हमारे पास थिम्बल स्केल रीडिंग. सबसे पहले मैं
जो मार्किंग नजर आ रही है उसे सिलेक्ट कर, जो मेन स्केल से मुझे पहले मार्किंग नजर आ रही है दिस वन, सही 5.7 मेरी मेन स्केल रीडिंग जो हो गई वो 7 ओके 0 मिला 00 मिलीमीटर ये 7 मिलीमीटर। फिर मैं जाऊंगा सिंबल स्केल की रीडिंग, सिंबल स्केल की रीडिंग कितनी है हमारी, ये मैच कर रही है लाइन 10.2 12 0.12 mm, कर देंगे हो जाएगा 7.12 mm आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की भी रीडिंग हो गई। अब इसी के अलावा एक और इसी तरह का मैं एक सॉल्व करवा देता हूं, ये मार्किंग है लाजमी बात है जीरो से स्टार्ट हो रही होती है और ये 50 तक जाती है, तो मैंने अभी जो दिखाया हुआ जीरो और फाइव वाला मार्क दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी मेन स्केल रीडिंग निकालते हैं भाई, मेन स्केल रीडिंग हमें जो नजर आ रही है इधर फिलहाल 5.1 डेसिमल, नीचे की जो मार्किंग होती है ना वो 0.5 वाली होती है, खाली 0.1 वाली नहीं होती। अब आ जाते हैं थिंबल स्केल रीडिंग के ऊपर, थिंबल स्केल रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 0.3। अच्छा आप बोल रहे हैं 0.3 होनी चाहिए, अगर ये 30 को मैच कर रहा होता तो क्या होनी चाहिए थी, जैसे मैच कर रहा है अभी 3 को मैच कर रहा है तो हम कह रहे हैं भाई 0.3 है। अगर ये इस तरह 30 को मैच कर रहा होता तो क्या होना चाहिए था, उस वक्त भी हम कह सकते थे भाई 0.30 0.30 कह सकते थे, लेकिन मसला फिर ये आता 0.3 बोले या 0.30 बोले फर्क तो नहीं है, तो फिर 3 और 30 में कोई तो डिफरेंस होना चाहिए। देखिए जब ये 3 से मैच करता है ना तो ये 0.3 नहीं होता, ये 0.03 होता है, सही इसलिए होता है क्योंकि आप देखें आप डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक वर्किंग करते हैं, सही, तो आप 1 से जब शुरू होते हैं तो यू स्टार्ट फ्रॉम 0.01 0.02 0.03 and you go all the way to 0.09, सही आप 0.09 तक जाते हैं, उसके बाद फिर आपके पास जो मामला शुरू होते हैं ना वो 0.10 0.11 और इस तरह के चलते हैं। तो ये जो मार्किंग हमने 3 से मैच की हुई है ये 0.3 नहीं है, ये 0.03 है। और दूसरा रीजन इस बात को समझने का, मैंने आपको बताया था कि आप मार्किंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कराते हो, तो जब आप 3 को 0.01 से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है, सो दैट इज 0.03 mm, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, ये जो मार्किंग्स हैं ये हम गलत ना रीड कर लें, 0.03 की मार्किंग है, 0.3 की मार्किंग नहीं है, ये हो जाएगा 5.53 mm। आइडिया समझ में आया, ये जो मैंने बताया है इसमें कोई कंफ्यूजन है, देखो मैं ये बोल रहा था यहाँ पे अभी कि
अगर मिसाल के तौर पे अभी हमने ये केस देखा, हमारे पास ये मैच कर रहा है 3 से, मैंने कहा था कि अगर बिल फर्ज ये मैच कर रहा होता 30 से, 30 में मैच होता, 25 होता, 35 होता, तो हम क्या सेलेक्ट करते और अभी हम क्या सेलेक्ट करते। तो देखिए तरीका ये होता है थिंबल्स की रीडिंग उठाने का, जो एक्चुअल तरीका है ये है कि आप जब भी रीडिंग सेलेक्ट करते हैं थिंबल स्केल से, तो उस रीडिंग को उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कराया जाता है एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, ये एक्चुअली में है क्या। तो 30 को अगर मैं 0.01 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 0.30 mm बनेगा, या इसको मैं 0.3 भी बोल सकता हूँ, अगर ना लिखूँ आगे जीरो तब भी कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। लेकिन जब ये 3 से मैच कर रहा है और हम डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक जाते हैं हमेशा, हमें पता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो हमें डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक आंसर दे सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 0.1 सही है, 0.2 इस तरह से चलता है ना ये मामला सारा। तो फिर लाजमी सी बात है, जब 3 अगर मैच कर रहा है तो इट कैन नॉट बी 0.30, इट कैन नॉट बी 0.3, तो वरना वो तो 30 को बता रहा है ना 0.30, तो ये 0.03 होगा, क्योंकि जब आप इस 3 की मार्किंग को उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थिंबल स्केल रीडिंग मिलेगी 0.03 mm। हम थिंबल स्केल रीडिंग हमेशा ऐसे ही निकालते हैं कि हम रीडिंग जो मैच कर रही होती है, जो वैल्यू जो नंबर मैच कर रहा होता है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें थिंबल स्केल रीडिंग मिले। तो अभी हमारे पास 3 मैच कर रहा था और हमने इसको जब 0.01 से मल्टीप्लाई किया पता चला कि भाई जो रीडिंग है थिंबल स्केल की वो 0.03 mm। हम पहले इसका थोड़ा शॉर्टकट देखते थे कि भाई जो भी रीडिंग आए वो डेसिमल के बाद आप लिख दें, सही कि भाई अगर 3 मैच कर रहा है तो डेसिमल के बाद लिख दें, लेकिन 3 अगर डेसिमल के बाद लिखेगा बंदा कोई 0.3 लिख देगा, इसीलिए मैंने उसको क्लैरिफाई किया कि इट्स नॉट 0.3 इट्स 0.03, क्योंकि आप डेसिमल के बाद दो प्लेसेस में बात करते हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? सर क्लियर हो गया, थैंक यू। एक आखिरी कर लेते हैं, देखते हैं कि इसकी रीडिंग आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए, फाइनल रीडिंग मुझे बताइए कि क्या आनी चाहिए। Sir, 5.08 millimeters. Exactly. इसकी जो main scale reading है होगी वो 5 होगी, इसकी जो thimble scale reading होगी वो 8 होगी। आगे हो जाएगा 5.08 mm. That is how this thing entirely works. तो हमने main scale reading वर्नियर कैलिपर की reading निकालने भी देख ली, हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की reading निकालने का तरीका भी यहाँ पे समझ लिया कि किस तरह से दोनों इंस्ट्रूमेंट से हमें रीडिंग मिल रही है। एक टॉपिक हम शुरू करते हैं यहाँ पे, बेसिक डिस्कशन उसकी शुरू करेंगे, मुकम्मल तो खैर अभी नहीं हो सकता क्योंकि टाइम लिमिटेड है। हमारे पास इन इंस्ट्रूमेंट्स में हमने बहुत शुरू में भी बात की थी कि सिस्टमेटिक एरर होता है, सही सिस्टमेटिक एरर पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि कभी कभार इंस्ट्रूमेंट्स फॉल्टी होते हैं, उनकी रीडिंग्स खराब होती हैं, किसी ना किसी किस्म का कोई मसला आया होता है। तो
सिस्टमेटिक एरर के बारे में एक कैटेगरी जो निकलती है उसके अंदर वो कहलाती है जीरो एरर। सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में एक कैटेगरी जो निकलती है वो निकलती है जीरो एरर। तो हमारे पास इन इंस्ट्रूमेंट में अक्सर जीरो एरर पाया जाता है। इनके जीरो एरर की मिसाल क्या होती है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में जो जीरो एरर आता है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आप अपना इंस्ट्रूमेंट क्लोज करेंगे, मतलब जो भी आपने बीच में ऑब्जेक्ट फिक्स किया हुआ था जिसके आप डायमेंशन निकाल रहे थे, आपने उसे वहां से हटाया और आप अपना इंस्ट्रूमेंट क्लोज कर रहे हैं। अगर वर्नियर कैलिपर है तो आप अपना वर्नियर कैलिपर क्लोज कर रहे हैं, सही? जैसे यहाँ पर वर्नियर कैलिपर था, मैंने जो भी बीच में रखा हुआ था वो हटा के जॉज क्लोज कर दिए। तो ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है तो जो दरमियान का गैप है भाई वो खत्म किया, सब कुछ बंद कर रहा हूँ मैं। तो उसूलन होना ये चाहिए कि मेन स्केल जीरो और थिम्बल स्केल जीरो या मेन स्केल जीरो और वर्नियर स्केल जीरो को मैच करना चाहिए, कि मतलब इनिशियल रीडिंग जीरो जीरो है, बिल्कुल जीरो, या आपके पास ना मेन स्केल रीडिंग आ रही है ना आपके पास वर्नियर स्केल रीडिंग है ना थिम्बल स्केल रीडिंग है, सब कुछ जीरो होना चाहिए, उसूलन ये होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई एरर आ जाए कि आपका मेन स्केल थिम्बल स्केल को मैच ना कर रहा, सही, या मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो को मैच ना कर रहा हो, डेसिमल आगे या पीछे चला जाए या ऊपर या नीचे चला जाए पॉइंट, तो ऐसे केस में जो एरर होता है वो जीरो एरर होता है। जैसे मैं यहाँ पे मिसाल दिखाऊंगा कि भाई आप ए को देखिए, ए में दोनों जीरोस मैच कर रहे हैं, मेन स्केल जीरो और वर्नियर थिम्बल स्केल जीरो दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सही, नो जीरो एरर। लेकिन बी और सी में देखिए कि जीरोस मैच नहीं कर रहे, एक में थिम्बल स्केल का जीरो नीचे रह गया, एक में थिम्बल स्केल का जीरो स्लाइड करके ऊपर चला गया जब आप रोटेट करके इसे पैटर्न कर रहे थे। तो इस वजह से जो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें मैं कहूंगा कि भाई इसमें जीरो एरर आया, कि हमने इंस्ट्रूमेंट क्लोज किया तो हमारी फाइनल रीडिंग जीरो नहीं बन रही, वी हैव एन एनएनएस वैल्यू ओवर हियर। यही मामला वर्नियर कैलिपर्स के साथ भी होता है, पर अभी मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड इसलिए नहीं किया हुआ क्योंकि वो हमारे सिलेबस के डोमेन से बाहर है, वर्नियर स्केल भी कैलकुलेशन और मेजरमेंट में। तो इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझा दिया कि किस तरह से आपके पास एरर बन के सामने आ रहा होता है। आपके वर्नियर कैलिपर्स के अंदर भी अगर आप देखें तो ऐसा मामला होगा कि भाई अगर ये जीरो है वर्नियर स्केल का, या तो मेन स्केल का जीरो ऊपर, या तो वर्नियर स्केल का जीरो पीछे चला जाएगा, या फिर वर्नियर स्केल का जीरो आगे रह जाएगा, सही है? मैच नहीं कर रहे होंगे दोनों जीरो को मैच करना जरूरी है जब आपका इंस्ट्रूमेंट क्लोज हो, अदरवाइज आप जो रीडिंग इंस्ट्रूमेंट कर रहे होंगे वो रीडिंग फॉल्टी रीडिंग होगी, उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो इस किस्म के एरर को आप जीरो एरर का नाम देते, और इन रीडिंग्स के अंदर से मतलब आपके अपने इंस्ट्रूमेंट में से इन एरर्स को आपने रिमूव करना पड़ता है ताकि आप अपने आंसर्स को करेक्टली डिटरमिन कर सकें। तो ये एरर्स के सिस्टमेटिक एरर की मैंने जैसे बताया था कैटेगरी में आते हैं। अब इनके ऊपर जो वर्किंग है, इनकी जितनी डिटेलिंग है वो इंशाल्लाह हम फिर कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी बीच में स्टार्ट करना जो है वो फायदेमंद नहीं रहेगा, टॉपिक थोड़ा सा ही लंबा है, इसको मुकम्मल करने में मतलब वी नीड अराउंड 20 to 25 मिनट्स। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम जीरो एरर्स का कॉन्सेप्ट मुकम्मल कर लेंगे और टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम को मुकम्मल करके पहला चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। इसके पास कोई क्वेश्चंस वगैरह के लिए भी हम टाइम निकाल के उनको भी अटेम्प्ट कर लेंगे। तब तक इंशाल्लाह मैं आप लोग आपकी जो बुक्स हैं वो भी मैं आप तक पहुँचा दूंगा। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Thank you.